सुबह तुम्हें फांसी मिलने वाली है। कल प्रेम की पहली प्रेम चोपड़ा, इस नाम को सुनते ही एक ऐसा किरदार जहन में आता है जो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मैं वो बजाऊं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। एक दौर था जब कोई भी माता पिता अपने बेटे का नाम प्रेम नहीं रखना चाहते थे। मैं हूँ प्रेम, प्रेम चोपड़ा। लेकिन एक इंसान ने न सिर्फ इस नाम को अपनाया बल्कि उस शख्सियत को भी अपने ऊपर हावी कर लिया। आज आलम यह है कि विश्वजीत को लोग एक ही नाम से जानते हैं, प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हर काम प्रेम से ही करता हूँ। आज आपके सवाल का जवाब भी दूंगा तो प्रेम से ही दूंगा। विश्वजीत एक बात बताइए जी, क्या लोग आपसे भी डरते हैं? नहीं, मैं लोगों से डरता हूँ। कहीं वो मुझे असली न समझ बैठे। तो मारने ना दौड़े। मारने ना दौड़े। पहली बार रोल कैसे मिला? कोई काम? मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उतने में मुझे दीपक बलराज जी की एक डांस पार्टी पिक्चर मिली, जिसमें मेरा कोई खास रोल नहीं था, लेकिन मैं डांस कर रहा हूँ पीछे। तो 150 रुपया पर डे मिला मुझे, तो मैं सोचा कि मेरे जैसा कोई करोड़पति नहीं है, 150 रुपया एक दिन का मिल रहा है। फिर उसके बाद मुझे सचिन जी की सीरियल मिली, रिन 1-2-3। प्रेम जी का रोल किया उसमें मैंने, विनोद खन्ना जी का भी रोल किया। फिर मैंने बुगी उगी में काम किया, बुगी उगी से मैं ज्यादा फेमस हो गया, लोगों को पता चला एक जूनियर प्रेम चोपड़ा भी मार्केट में आया है। हाय विशु, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक लड़का जो आर्ट के नाम से वाकिफ ही नहीं था, आज खासा कलाकार है और आपके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं विशु के लिए दिली तौर पर ये दुआ करता हूँ कि मालिक इसे दिन दुनी रात चौगी और तरक्की दे। गॉड ब्लेस विशु, ऑल द बेस्ट। इतने टैलेंटेड हैं आप, लेकिन जब एक इमेज में आपको बांध दिया जाता है कि आप किसी के लुक अलाइक हैं, किसी के डुप्लीकेट हैं, उसके बाद आपको और काम नहीं मिलता, आपसे फिर कहा जाता है बस वही करते रहो, तब गुस्सा आता है आपके अंदर का कलाकार? नहीं नहीं, वो तो कुछ लोग नहीं समझते मैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। रियल लाइफ में वही एक अच्छा कलाकार होता है जो हर चीज को ऑब्जर्वेशन करके अपना रोल कर सकता है। जैसे देवदास में दिलीप साहब ने रोल किया, शाहरुख खान जी ने रोल किया, तो वो देवदास थे ना, तो ऑब्जर्वेशन किया ना, ऐसे तो नहीं कि उन्होंने ही देवदास। तो हम भी यही करते हैं, लेकिन हमको इतना बड़ा मौका मिला नहीं कभी। अभी जैसे मैं देवदास का डायलॉग मैं अलग अलग अंदाज में बोलता हूँ, शाहरुख खान ने कैसे कहा, दिलीप साहब ने कैसे कहा। पहले शाहरुख खान जी की आवाज, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, अरे मैं तो पीता हूँ इसलिए यहाँ पर बैठ सकूँ, तुमसे दो बातें कर सकूँ, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूँ। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो, मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो। दिलीप साहब का सवाल, दिलीप साहब कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस यहाँ पर बैठ सकूँ, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूँ, तुम्हें देख सकूँ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। इस इंडस्ट्री में किसी के लिए भी अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। आपको कभी जुल्लत सहनी पड़ी, मजाक सहना पड़ा यहाँ? हाँ, मजाक तो करते ही है ना लोग। जैसे मैं पहले उल्लासनगर से एल्बम वगैरह लेके निकलता था तो मेरे सिंधी दोस्त लोग है आज, वो मुझे बहुत प्यार करते, पहले भी प्यार ही करते लेकिन समझा देते, और मेरे सब भाई है तो इधर किधर जाता है, बोला बॉम्बे जा रहा हूँ। अरे इधर बड़ा बड़ा लोग एक्टर नहीं बन सका, तू इधर से उधर जाके एक्टर बनेगा, चले अभी भी काम धंधा कर, पगार पानी ले, घर चला। नहीं नहीं वाला मैं जा रहा हूँ। अच्छा जा, तेरा मर्जी है, बाद में मेरे को नहीं बोलना कुछ हो या नहीं हो। पहले ही बोल देता है कुछ हो या नहीं।
निश्चित आपने कहा बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, आपके मन मुताबिक काम आपको मिलेगी, हमारी दुआएं हैं आपके लिए। ब्रेक पर चलते चलते प्रेम साहब का कोई एक फेमस डायलॉग और हो जाए। फिल्म क्रांति से है, शंभू का दिमाग धोधारी तलवार है, है पियो हार जियो, जी तो चाहता है सांगा, इस अंग्रेजी कमाल से तुम्हारे रगों में बहता हुआ हिंदुस्तानी खून पेश करूं, मगर नहीं, क्योंकि शंभू के हाथ मजबूर है। हा? और फिर भला जिसे कल फांसी होने वाली हो उसे हम क्यों मारेंगे? लकड़ी तो कट गई सांगा, अब तुम रात काटने की सोचो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें फांसी होने वाली है। कल सूरज की पहली किरण तुम्हारी आखिरी सांस तक खींच लेगी सांगा।